हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी पर स्वागत है। आज हम करेंगे डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2, जो कि है क्लास 7 की और सब्जेक्ट है साइंस और डेट है 9 अप्रैल 2021। तो चैप्टर वही है, बस टॉपिक उसका अलग है। तो टॉपिक है हमारा आज का फोटोसिंथेसिस, जो वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यह हमने पिछले में भी पढ़ा था, दोबारा पढ़ते चलिए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट ओन फूड्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक ऐसा मोड न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट डू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बनाते हैं, मतलब खुद से बनाते हैं तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये रहा पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का, सन, क्लोरोफिल इन लीव्स, वाटर मिनरल मिनरल्स और सॉयल। सॉयल तो होता ही है रूट्स में। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, द सिंथेसिस ऑफ फूड्स इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स। लीव्स है फूड फैक्ट्रीज है प्लांट्स की, जो सिंथेसिस होता है ना फूड इन प्लांट्स में, वो लीव्स की वजह से ही हो पाता है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स हरी हरी होती हैं, उनके पास ग्रीन पिगमेंट होता है, उन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, वो हेल्प करता है सनलाइट की एनर्जी कैप्चर करने। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से और सनलाइट की मौजूदगी से, हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मदद से। उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव, दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर लेता है प्लांट्स, उसके थ्रू द टीनी पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स के सरफेस पे, उसे स्टोमेटा के बोलते हैं। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये पोर्स सराउंड मतलब आसपास होता है उसके गार्ड सेल्स के। तो आइए दूसरा हम पढ़ते हैं पैराग्राफ। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसफर पोर्ट होते हैं बाय द वेसल, वेसल लीव्स ऑफ वेसल की वजह से, मदद से वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में, प्लांट्स की लीव्स तक। विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द प्लांट, वो पाइप की तरह काम करता है प्लांट्स में। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी कैप्चर्ड होती है लीव्स के द्वारा और स्टोर होती है प्लांट में, वो फॉर्म ऑफ फूड होती है, बन जाती बाद में। जो सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो अपना फॉर्म ऑफ फूड बना लेती है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सन, उसमें सबसे ज़्यादा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर लिविंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आइए करते हैं हम क्वेश्चंस। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? तो आइए करते हैं हम इसका आंसर। तो यहाँ से यहाँ तक आप पूरा कर लेंगे। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की हेल्प से बनाता है, बाय विद द हेल्प ऑफ, उसके साथ हेल्प होता है क्लोरोफिल जो हेल्प करता है, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा किसे कहते हैं? तो स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जब एयर लेते हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, प्रेजेंट हो जाते हैं सरफेस लीव्स, जो लीव्स की सरफेस होते हैं उधर साइड प्रेजेंट हो जाते हैं।
उस पोर्स को ही कहते हैं स्टोमेटा। तो आइए करते हैं नेक्स्ट, व्हाई इज़ द सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा व्हाई इज़ द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज, तो आप इसके आगे लिखेंगे ये, बिकॉज द सन इज कंसिडर्ड द प्राइमरी एनर्जी सोर्स सिंस इट इज द सोर्स ऑफ नियरली ऑल द अर्थ एनर्जी। प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम फूड यूजिंग सनलाइट एंड द फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो हैव इट्स प्राइमरी सनलाइट सोर्स। उनके पास भी प्राइमरी सनलाइट सोर्स की फंक्शन है। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फोर, लीव्स आर द फूड डैश ऑफ प्लांट्स। तो इसका आंसर होगा फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। इसका आंसर हमने किया था तो आप लिख देंगे फैक्ट्रीज। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।